उनको मानते मारते हैं। कहते मैं मारने के लिए नहीं कहूँगा, जो जब मैं कहूँगा तो गोली चलाने। तो वो उसको जंगल में ले गया। कहते जंगल में जो बूटियाँ हैं ये अपना अपना रूप धारण करती है, अपना अपना रूप धारण करती है। तो कई तरह के गऊ भी देखी उसने, शेर भी देखे, बहुत कुछ देखा। जब एक सांप आया बहुत बड़ा, उसने कहा मार दे गोली, इसको मार दे। उसने गोली मार दी, रात थी। उसने उसको उठाया, सांप को पीठ पर ले आया और लकड़ी इकट्ठी की, लकड़ी इकट्ठी की, और पता नहीं उसने कहाँ से कोई एक बर्तन लाया, उसमें काट काट कर सांप को डाल दिया। वो लड़का कहता है, बता रहा मुझे, डालकर लकड़ी इकट्ठी करके वो जो बर्तन था उसको आग में रखा, वो जल गया, जलती रही आग, जलती रही, जलती रही। जलने के बाद जब वो आग ठंडी हो गई, उसने फिर बर्तन वो निकाला, निकाल के हमारे से नस्तर ली, नस्तर जानते चाकू, उसको खरोचा, उसको खरोचा। आइए जी, नमस्ते, नमस्ते आपके लिए। वेलकम मैडम, मेरी कॉलीग है जी, हॉस्पिटल, ही इज, शी इज डॉक्टर। थैंक यू, सुखी रहो बेटा, सुखी। थैंक यू, नमस्ते। उसने क्रोच कर उसकी एक गोली बना ली। कहते भाई दोस्तों एक काम और कर दो। ये जी नमस्कार, ही इज माय फ्रेंड एज वेल, ये भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब तो डॉक्टर सारे डॉक्टर करते हैं, आदमी बोलना मुश्किल हो जाएगा। आइए बेटा जी, आइए। नमस्कार देवी जी, नमस्कार। नमस्ते, उधर तो नदियाँ चलती हैं, तो कहते भाई हम तो नहीं खा सकते। कहते एक काम करना, फिर मैं जहाँ बैठ जाऊँगा पानी में, मेरे ऊपर पानी डालते रहना, चार आदमी हो जाओ इकट्ठे, ये पानी डाला, इसने डाला, इसने डाला, इसने डाला, ऐसे डालते रहना, बंद नहीं करना, मेरा हाल खराब हो जाएगा, मैं जल जाऊंगा। उसने वो मुंह में डाल लिया वो गोली, और वो पानी डालने लग गए। एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे जब हुए, उसका कायाकल्प हो गया और उठ के दौड़ गया। उसका कायाकल्प हो गया। दीज आर ट्रुथ्स, आप तो इस बात को समझते होंगे कि उसने उसको कैसे खरोचा होगा, सांप का सब कुछ था। तो आ जाओ हम, फिर मैं अपने आप स्टार्ट करेंगे। ये कुर्सी थोड़ा सा एक तरफ कर दो, मैडम जी को नजर नहीं आएगा। यहाँ कर देता हूँ। आप सभी मेरे देश से ही है ना? अच्छा, आपका कौन सा जिला? मैं पटियाला। आप पटियाला? पटियाला, मैं पटियाला चार साल रहा। अच्छा, सर्विस में, पटियाला मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर साहब तुसी? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश जिला ये। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। मैं होशियारपुर से हूँ। अच्छा, ओके। मैं हिमाचल की सर्विस मुझे मिल गई, जब ये पंजाब के टुकड़े किए गए ना, तो होशियारपुर और पठानकोट के लोगों को हिमाचल को दे दिया। मैं वैसे तो एम्प्लॉई पंजाब का था, मैं आई रिटायर्ड एज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज 1996 में। उसके बाद मैं अडॉप्टेड दिस पाथ ऑफ लाइफ, मेरे गुरु का हुक्म है, तो काम करता हूँ। मैं कुछ बात शेयर करूँगा आपके साथ। डॉक्टर अमित और इनकी पत्नी जैस्मीन, इनके पिता डॉक्टर चावला जी, इनका सारा परिवार मेरे से बहुत देर से परिचित है। ये जब होशियारपुर वहाँ जाते हैं तो मैं चंडीगढ़ जरूर जाता हूँ, घर में इनके सत्संग होता है। इन्होंने सत्संग रखा है, सत्संग। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी टॉक। सत संग, सत का मतलब ये है जहाँ सत का संग, सत के साथ मिलाप कराया जाए इंसान का, कि सत क्या है,
उसके साथ जो मिलाप कराया जाए उसको सत्संग कहते हैं। मैं जिंदगी में ना तो त्रेता की बात करता हूँ, ना द्वापर की बात करता हूँ, मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। प्रेजेंट कि वो सत्य क्या है, वो सत्य क्या है जिसका जिसके साथ मैंने मेल किया, अपने गुरु महाराज की कृपा से जिससे मैंने मेल किया, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। होशियारपुर में एक मानवता मंदिर है जिसकी स्थापना 1962 में हुई। उसके संस्थापक तो मैं नहीं कहूँगा, संस्थापक तो दूसरे लोगों ने मजबूर किया कि महाराज आपकी शिक्षा जो है ये ऐसे ही मिट जाएगी, कोई ना कोई सेंटर होना चाहिए। तो उनका नाम था फकीर चंद जी महाराज, उनके गुरु थे महर्षि शिवरतलाल जी महाराज। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, शिवरतलाल जी महाराज MA LLD थे, उनके गुरु थे राय सालग्राम साहब जी महाराज जो पोस्ट मास्टर जनरल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। सालग्राम साहब के गुरु थे स्वामी जी महाराज, यहाँ से ये एक राधा स्वामी मत निकला, राधा स्वामी मत। राधा स्वामी मतलब का क्या मतलब है कि राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, ये दो चीज़ें हैं जिनको हमने जानना है, वो सुरत क्या है और शब्द क्या है। तो मैं 18 साल का था जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, मेरा बचपन से माँ के संस्कार के गुरु के बगैर इंसान को ज्ञान नहीं हो सकता। तो मैं 18 साल की 6-7 साल की उम्र से गुरु की खोज में था। मैंने बड़े टक्करें लगाई, पढ़ता भी रहा, और जाकर कहीं 12 साल के बाद मुझे बाबा फकीर जी मिले, उनसे मेरा प्यार हो गया, मुझे अनुभव हो गया कि यही संत हैं, यही गुरु हैं। कुछ ऐसी वाइब्रेशन उनकी मुझे मिली, कुछ ऐसा प्यार मिला जिसने मुझे खींच लिया, तो मैंने उनको नहीं छोड़ा। तो उनका आदेश था कि जो सत्संग है ये सबके लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, कि जो आया उसको एक ही लाइन में खड़े कर दो, नहीं। वो कहा करते थे नौजवानों के लिए सत्संग और है, बीबियों के बहनों के लिए माताओं के लिए सत्संग और है, बूढ़ों के लिए सत्संग और है। मैंने इसको आजमाया है। और हमें कहते थे बच्चों ब्रह्म बनो, ब्रह्म बनो, ब्रह्म मीन बढ़ो, शिक्षा में बढ़ो, आर्थिक दृष्टि से बढ़ो, इकोनॉमिक हालत को ठीक करो, माँ बाप की सेवा करो, सारा उन्होंने हमें समझाया। और उनकी कृपा से मैं MA पास किया। MA पास करके मैं गवर्नमेंट कॉलेज के काडर में आ गया और मैंने 36 साल सर्विस की। और उस वक्त मैंने फिर ये प्रण किया था कि जो क्योंकि मुझे गुरु ने इतना कुछ दिया है, अंतर का ज्ञान भी, बाहर की दुनिया भी, दीन भी दिया, दुनिया भी दी, तो मुझे उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो उनके जाने के बाद मैं ये 1998 से अपने लेवल पर जैसा भी हो सकता है मैं सेवा कर रहा हूँ। वहाँ मंदिर में हफ्ते के हफ्ते सत्संग इतवार को होता है, 3 बड़े फंक्शंस होते हैं, गुरु पूर्णिमा, सतगुरु महाराज का जन्मदिन, और 3 दिन बैसाखी के लिए लगातार होता है जिसमें बाहर के संतों को मैं बुलाता हूँ। अब सत्य क्या है, मैं अपनी बॉडी से शुरू किया, व्हाट्स द ट्रुथ, वो कब शुरू किया, जब मैं महाराज जी के संगत में रहते हुए उन्होंने मुझे एक दफ़ा दो बातें बताऊंगा आपसे मैं। एक दफ़ा तो मैंने उनके रिक्वेस्ट किया, मैंने कभी दुनिया की बात नहीं की उनसे, मैंने कहा पिताजी मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ, ये ख्याल क्यों आया, आपकी संगत में रहता हूँ। उन्होंने फरमाया बेटा आप तो नौजवान हो, 1969 की बात है, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे भी ऐसे ख्याल आ जाते हैं तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। मैं थोड़ा सा अंदर में सोचा कि महाराज जी को भी ऐसे ख्याल आते हैं, मैं तो मामूली आदमी हूँ। और उन्होंने ये कहा कि आप नौजवान हैं बेटा, आपको तो आएंगे, मुझे भी आते हैं। फिर उन्होंने एकदम मेरे को थोड़ा एनर्जी देने के लिए, समझाने के लिए
मुझे कहा कि आप पर उस मालिक की अपार कृपा है, आपको ये तो सोझी आ जाती है, समझ आ जाती है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। जो आदमी बुरे ख्याल में बह जाता है, बार बार उसको सोचता है, बार बार सोचता है, वो कर्म कर लेता है। यू आर सेफ, तुम्हें ख्याल आ जाता है। दूसरी बात फिर उन्होंने बड़े तरीके से मुझे समझाई, ये मैं आम बताता हूँ लोगों को भी, ऐसे अपने मन को समझाओ का बेटा, आपने अपने घर में या अपने बगीचे में कोई ऐसा पौधा लगाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे। मैंने कहा पिताजी मैं पहले खड्डा खोदूंगा, अगर वृक्ष लगाना है तो बड़ा खोदूंगा, फूल वाला लगाना तो छोटा खोदूंगा, फिर क्या करेगा। मैंने कहा पिताजी उसमें मैं खाद डालूंगा बढ़िया सी, फिर क्या करेगा। फिर मैं अपनी पसंद का पौधा लगाऊंगा, पौधा लगाने के बाद क्या करेगा। मैंने कहा पिताजी मैं उसको शाम सवेरे देखूंगा और पानी दूंगा, और क्या करेगा। मैं क्या उसकी जानवरों से मैं रक्षा भी करूंगा, पौधा फिर बढ़ जाएगा ना। मैं पिताजी बढ़ना चाहिए कितने, सपोज आपने पौधा लगा दिया, आप उसको पानी नहीं देते, उसकी देखभाल नहीं करते, तो वो क्या होगा, वो सूख जाएगा। मैंने कहा पिताजी वो सूख जाएगा, बस ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। डॉक्टर जी कॉट में ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना, मतलब उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। उठना, पानी का गिलास पी लो, कुछ पढ़ो, इधर कुछ बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, ताकि ख्याल वो डिमिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। एक तो ये बात मेरी ज़िंदगी में आई, और मेरी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी थी या बुरा ख्याल था वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब ख्याल पैदा कैसे होता है, अब सवाल ये है कि ख्याल पैदा कैसे होता है, उसकी गहराई में क्या है। ख्याल मन से पैदा होता है। मन किस चीज़ से बनता है, मन हमारी खुराक से बनता है। जैसा खाइए मन तैसा बने मन, ये तो शायद आपने सुना होगा, जैसे खाए अन्न, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। जो हम खाते हैं, मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल से हम चार पांच दिए रख लेते हैं, दिए दीपक, उनमें अलग अलग हम लिक्विड डालते हैं, किसी में हमने डीजल डाल दिया, दूसरे में पेट्रोल डाल दिया, तीसरे में सरसों का तेल डाल दिया, चौथे में केरोसिन ऑयल डाल दिया, एक में स्पिरिट डाल दी, एक में घी डाल दिया, अलग अलग है ना जी। उनको जब आप जलाएंगे तो उन हर दिए की लौ अलग होगी, होगी कि नहीं, उनकी जो लौ होगी वो अलग होगी, और जो अच्छा साफ है उसका धुआं नहीं होगा, डीजल का धुआं होगा, और शो पेट्रोल का भी धुआं होगा, सरसों के तेल का भी धुआं होगा, सिपेट का धुआं होगा, धुआं नहीं होगा, लाइट होगी, धुआं नहीं होगा, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होगी। जब हम घी के दिए को जलाएंगे उसकी लाइट भी होगी, उसके ऊपर कोई काला नहीं होगा, और ना ही उसमें किसी तरह का कोई बदबू होगी। मेरी बात समझ गए। ऐसे ही ये एक दिया है जो मैंने अनुभव किया, इस दिए में हम कौन सी चीज़ डालना है, और दूसरी तीसरी बात कि जो चीज़ मैं खा रहा हूँ वो उसके लाने का सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। क्या मैं वो चोरी का खा रहा हूँ, क्या मैं 420 का खा रहा हूँ, झूठ बोल कर खा रहा हूँ, हेराफेरी करके खा रहा हूँ, तो वो अन्न ठीक नहीं होगा, और उसको खाने से मेरे मन के अंदर अच्छे ख्याल कभी आएंगे नहीं। इसलिए संतों ने कहा हक हलाल की कमाई, ताकि मन शुद्ध रहे। आप मेरी बात को पकड़ा साहब, मन शुद्ध है तो ख्याल शुद्ध होंगे। अगर हमारी खुराक ठीक नहीं है तो हमारा देखना भी बदल जाएगा, हमारा सुनना भी बदल जाएगा। तामसिक खाना खाया, तामसिक जिसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, जब तले हुए कहते हैं, जब मसाले वाले कहते हैं, जब ऐसे हेराफेरी किए होते हैं, उनकी पांच कर्म ज्ञान इंद्रियां कंट्रोल में कभी नहीं आएंगी। पांच क्या है, आँखें हैं, कान है, जुबान है, नासिका है, और हमारी चमड़ी है। डॉक्टर साहब
मैं आपकी भाषण से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया है कि खाने के असर हमारे मन पर पड़ता है। जैसा खाना खाएंगे वैसा मन बनेगा। तामसिक खाने से हमारी आंखें हमेशा गड़बड़ करेंगी, हमारा सुनना भी बिगड़ जाएगा, हमारा खाना बिगड़ गया हमारा बोलना भी बिगड़ जाएगा, और हमारे हाथ भी गड़बड़ करने का काम करेंगे। ये मेरा अपना अनुभव है सदगुरु की कृपा से। मेरा ख्याल है आप एग्री करेंगे मेरी बात को, सुनते जाइए। तो जो खुराक है जो, वो हमारे शास्त्रों में लिखी है कि कौन सी पित्त वाली कौन सी है, वायु वाली कौन सी है, और तीसरी बात कफ की, तीन तरह की है, पित्त है, कफ है और वायु, तीन तरह की खुराक है हमारी। उनको जब तक हम नहीं देखेंगे, और फिर मेरे गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब रोटी स्वाद लगे तो उसको बंद कर दो खाने, मेरे बाबा भी यही कहते थे। और उन्होंने एक निजम बताया, डोंट लिव टू ईट, पीपल लिव टू ईट। हाँ, खाना पीना खाओ पियो करो आनंद, नो, अगर आपने इस लाइन में आना, सिंपली ईट टू लिव, केवल उतना खाओ जितना तुम जी सको। क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी मशीनरी लगी हुई है जिसका हमें पता ही नहीं कि वो क्या कर रही। डॉक्टर साहब, हमारे अंदर जो मशीनरी है उसका तो हमें ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए ये एक पहला जो चीज़ मेरी समझ में आई वो ये है कि पहले खाना अपना ठीक करो, ठाकुर लाल की कमाई खाओ और उतना खाओ जिससे मेरा शरीर चलता रहे, एक बात। दूसरी बात मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने कही जो मेरे साथ भी थी, मैं दुनिया की बात नहीं करता। 1975 में कुछ लोग, मैं रिटायर नहीं हुआ था, मैं तो 1996 में रिटायर हुआ, तो सत्संग होता था हर संडे को, तो मैं ज़रूर जाता था जहाँ भी मर्जी हूँ, महीने के सत्संग में तो जाता ही था मैं। तो दो प्रोफेसर साहब आ गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के, तो बाकी तो प्रसाद लेके चले गए, वो महाराज जी से बातें करने लग गए। उन्होंने बजाय अपनी कोई बात करने के रमन ऋषि की बात शुरू कर दी, आपने नाम सुना होगा। तो मैंने भी बीच में बोल दिया कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, मैंने भी पढ़ा ये लिखा है वहाँ। तो मेरे महाराज जी ने, बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, बेटा क्या तुम भी किताबें ऐसी पढ़ते हो? मैं कहा पिताजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बच्चे कभी सवाल कर लेते तो मैं भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। मुझे कहा आज से आपने कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना, बहुत बड़ी किताब दे दे मुझे। अब नाउ व्हाट इज माइंड, पहले तो उसको समझा मैंने, ये पता लगा कि माइंड मेरा ऐसे बनता है। मेरा माइंड कैसे बना, क्यों बना, कैसे बना? कुछ संस्कार हैं पिछले जन्म के मेरे माता पिता के, उनका असर तो मेरे पास है, लेकिन वो असर भी डिमिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाता है जब मन को पकड़ लेते हैं हम। तो मन हमारे शरीर में है, अब देखना है कि क्या मन का हमारे शरीर पर कोई रोल है। अगर हमें समझ लग गई कि माइंड ये करता है, माइंड की उत्पत्ति ऐसे होती है, तो अगर मुझे पता लग गया कि मेरा मन जो है ये जिस देखता है तो ये वो बन जाता है, ये जो सुनता है उसके पीछे हो जाता है, जो जो रस लेता है खाता है, टेस्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसको खाता है ना, और तो कुछ नहीं है। अगर किसी चीज़ को टच कर लेता है तो इसको वहाँ से कुछ ना कुछ महसूस होता है। टचिंग में भी इंसान को बहुत कुछ पता लगता है, जैसे डॉक्टर साहब ने देखा, नब्ज देखी, देख लिया ना, पता लग गया इनको, इनको सारा पता लग गया। डॉक्टर दूसरे जो है वो स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं, छाती पर लगाएंगे, कभी पीछे लगाएंगे, तो देर सम हरकत हमारे अंदर एक हरकत चल रही है। तो मेरा मन मेरे अंदर है, मेरे माइंड में है। मुझे पता लग गया कि जैसे मुझे देखता है ये वही रूप धारण कर लेता है, जो चीज़ इसने देखी नहीं वो इसके सामने नहीं आएगी।
क्या ख्याल है, जो देखा ही नहीं कुछ तो वो कैसे आएगी? सपने में हो सकती आ जाए, लेकिन जागृत में नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने देखी नहीं है। एक बात, सुना नहीं कोई चीज़, कोई सुनी नहीं, जैसे आपने कोई बात आज तक नहीं सुनी जो मैं कह रहा हूँ, आपके मन में कभी नहीं आएगी। सुनी है तो डेफिनेटली आएगी। जब भी आप अकेले बैठेंगे कि एक आदमी आया था, उसने ये की थी, डॉक्टर अम्बेडकर के घर, क्या ये ठीक है? आपका चिंतन बढ़ जाएगा। मन को देखा कि क्या ये मन कब आया, क्या मैं जब माँ के गर्भ में था तो मन था, नहीं था। मेरी बॉडी बनी, मेरी बॉडी बनी माँ के गर्भ में 9 महीने में, और यहाँ से एक नाभि से माँ के शरीर के साथ एक नाड़ जुड़ी थी। मैं तो थैली में उल्टा लटका हुआ हूँ, और वहाँ से जो माँ खा रही वो मुझे मिल रहा है, जो माँ पी रही वो भी मुझे मिल रहा है, जो माँ देख रही उसका असर भी मेरे पर हो रहा है, जो सोच रही उसका असर भी मेरे पर हो रहा है ना। तो वहाँ किसी माइंड का कोई काम नहीं है, वहाँ कोई इनविजिबल पावर इज डूइंग समथिंग। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अमेरिका में एक केस हुआ था, बहुत देर हो गए, अंग्रेज के घर में एक हबशी पैदा हो गया। मैं बताने लगा हूँ कि माँ के असर कैसे होता है। हबशी काला रंग का लड़का पैदा हो गया, तो उस हस्बैंड को तो शक पड़ गया कि माय वाइफ इज नॉट शी इज हैविंग सम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। उसने दावा कर दिया कि ये दिस नॉट माय सन। तो उसने बतेरा क्या, इज योर सन, आई एम योर डेडिकेटेड वाइफ, मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया है। तो जज के लिए बहुत मुश्किल हो गया, हाउ टू फाइंड ए सोल्यूशन, क्या करूँ। तो डॉक्टर, वो जजेस बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहता मैं आई वुड लाइक टू सी योर होम, मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। तो उनके घर गए तो उसको लेडी को कहा शो मी योर बेडरूम, मुझे अपना बेडरूम दिखाओ। तो जब वो बेडरूम में गया तो वहाँ सामने बेड के सामने हबशी की फोटो लगी थी। ओ कहता हियर इज द रीजन, ये उठती इसको देखती थी, देखना का असर हो गया। बैठ सोती तभी उसको देखती थी, तो बच्चे पर असर हुआ। हमारे इतिहास में महाभारत में अभिमन्यु हुआ है, शायद आपने सुना कि नहीं सुना। अभिमन्यु अर्जुन ने महाभारत युद्ध के बारे में अपनी पत्नी से रात को डिस्कस कराया कि युद्ध होगा, कौरव जो है वो एक चक्रव्यूह बनाएंगे, उसको मैंने भेदना है। तो वो सुनाया सारा कि मैं कैसे जाऊंगा उसके अंदर, कैसे जाऊंगा, कैसे उनका सत्यानाश कर दूंगा। लेकिन जब वो बाहर का अंदर का हासिल लगकर दर्शन के मैं बाहर कैसे आऊंगा, तो उसकी पत्नी सो गई और वो बच्चे को वो विचार मिलना बंद हो गया। जब युद्ध हुआ तो अर्जुन तो दूसरे फ्रंट पर लड़ रहा था, इधर चक्रव्यूह बनकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं तबाह करूँगा इनको। वो एंटर तो हो गया लेकिन बाहर नहीं आ सका, ही वॉज किल्ड। ये कहानी है। दूसरी कहानी अकबर की है जो मैंने पढ़ी है। अकबर को शेरशाह सूरी ने हरा दिया, उसके पिता को जहांगीर हमायूं को, वो बेघर होके जंगलों में चला गया। तो एक राजा देवस था हिंदू, उसके पास उसे शरण ली। काफ़ी देर वहाँ वो रहा, फिर दोबारा इकट्ठी करके फौज, दोनों ने दिल्ली पर फतेह प्राप्त की थी। तो उसकी पत्नी के बच्चा पैदा होना था, तो वो सैर करके आए तो वो ज़मीन पर लाइनें बना रही है, इसको पंजाबी में कहते औंसियाँ पाना। जब आदमी परेशान होता है ना तो ज़मीन खोदता है, हमारे तो जहाँ ज़मीन ही है पंजाब में, आदमी परेशान होता तो ऐसे ऐसे जमीन खोदेगा। वो कहते बेगम तू क्यों दुखी है, क्यों औंसियाँ पा रही हैं? कहती राजन मैं औंसियाँ नहीं डाल रही, मेरे पेट में बच्चा है, मैं उसको समझा रही हूँ कि तू इतने बड़े भारत का देश राजा बनेगा, दिस इज माय डिज़ायर। और वो बना। दो बातें सुनाई आपको। तो जो माँ के गर्भ में हमारे ऊपर असर होता है, दैट इज एवरलास्टिंग।
चलो मन ने वहां कुछ नहीं किया, देर समर पावर, ये तो मानना पड़ेगा कि जिसने सारा कुछ मुझे किया। और फिर 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आता है, उल्टा होता है। मैं डॉक्टर साहब से भी कल शाम को डिस्कस किया, बट सिंस आई वांट टू फाइंड द सत्य, वो सत्य क्या है, उसके साथ संग करता हूँ मैं। तो जब वो बाहर आ गया तो डॉक्टर्स एट वंस उसको सीधा करते हैं। डॉक्टर साहब आपने सुना, उसको सीधा करते हैं एकदम। अगर वो सीधा ना करें तो जो 9 महीने यहाँ कोई चीज़ एनर्जी थी वो नीचे नहीं आती बॉडी में, तो बच्चे को अदरंग हो जाएगा, उसके अंग काम नहीं करेंगे, रादर उसकी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर बिथेरा उसको थपाते हैं, नहीं ये तो मरा हुआ पैदा हुआ, उन्होंने गलती की। जो पुरानी औरतें होती थी ना जिनको दाई कहते थे, देवर वेरी एक्सपर्ट, वो किसी बच्चे को कभी मरने नहीं देते थे, उनको पता था कि कितने सेकंड में उसको सीधा करना है, सीधा कर दिया तो बच्चा रुकता है। मैंने डॉक्टर से पूछा जो गायनोकोलॉजिस्ट है कि डॉक्टर साहब आपने बच्चों को बहुत जन्म दिया है, मुझे बताइए बच्चा रोंदा क्यों, उसको क्या तकलीफ होती है। कहते कमल यार पता नहीं, बच्चा ना रोए तो वो हम उसको कह देते कि इज डेड। मैंने कहा दिस इज द रीज़न, वो घबरा जाता है ये क्या हो गया, क्योंकि वो तो यहाँ था 9 महीने तक, वो यहाँ आ गया घबरा गया, नाड़ू कट दिया। एक बात हो गई, जब उसके नाड़ू काट देते हैं तो सप्लाई लाइन खत्म हो गई। व्हाट हैपन्स देन, माँ के स्तनों में उसी वक्त दूध आता है। डॉक्टर सुना आपने, एट वंस माँ के स्तनों में दूध आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चा पैदा होता है नेचर ने उसके लिए सब कुछ पहले किया हुआ है ना, इसको कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। अब बच्चा 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, तो चारपाई पे माता कभी लटा देती, सो गया बच्चा, सो गया। फिर वो 4 महीने में हाथ मारता है, ऐसे ऐसे करते ना डॉक्टर साहब, फिर वो टांगे भी मारता है और माँ बड़ा खुश होती है मेरा पुत्र खेलता। वो खेलता नहीं है, वो अपनी एनर्जी को बॉडी में ला रहा है, बाई हिज मूवमेंट्स शरीर में ला रहा है। यहाँ से सारी एनर्जी हमारे शरीर में फैल जाती है, फिर वो मंजे पर बैठने के काबिल हो जाता है, नीचे बैठने के काबिल हो जाता है, फिर वो रिड़ता है, वो भी मूवमेंट करता है ताकि वो एनर्जी मेरी बॉडी में पूरी उतर आए, फिर वो खड़ा होके चलने की कोशिश करता कि नहीं, दिस इज हाउ ही स्टार्ट्स टू वॉक, क्योंकि वो एनर्जी सारी हमारे शरीर में आ गई। नाउ ही इज परफेक्टली ओके। अब उसके दांत निकले, माँ का दूध सूख गया, अब रोटी खा बच्चा, मुंह में रोटी लगाती है, हम रोटी खा गए, हम पानी पीने लग गए, हम फ्रूट खाने लग गए, हम दालें सब्जियां खाने लग गए, तरह तरह के पदार्थ हम खाते हैं, पीते भी हैं, क्या नहीं खाते हम, सभी तरह के पदार्थ खाते हैं। क्या डॉक्टर साहब, खाने के बाद हम उस भोजन को पचाने के लिए कुछ करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते। दूध पी लिया वो पानी बन के पेशाब बन जाता है, हमने छानना लगाया कोई, लस्सी पियो वो भी पानी बन के निकल जाता है, तो वी डोंट नथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ मन नहीं है, कोई और चीज़ है, देयर इज समथिंग एल्स इन अवर बॉडी जो सारा ये काम कर रही है और हमें उसका ज्ञान नहीं। बियॉन्ड दैट हमारी नब्ज चल रही है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमें पता नहीं कि नब्ज क्यों चल रही है, दिल भी धड़क रहा है, हमें कोई ज्ञान नहीं, सांस ले रहे हैं, कोई आदमी कह सकता है कि मैं सांस ले रहा हूँ डॉक्टर साहब, वी आर नॉट अवेयर। सांस ये चलता है तो ये बंद रहता है, ये चलता है तो ये बंद हो जाता है, एक फर्स्ट क्लास सिस्टम बना हुआ है इनके चेंज करने का, ऑटोमेटिक। तो एवरीथिंग
गोइंग ऑन ऑटोमेटिकली इन अवर बॉडी. हमारा इस पर कोई किसी तरह का अधिकार नहीं है, ना माइंड का, ना हाथ का, ना पाँव का, ना देखने का. देखने में भी तो एनर्जी है, कुछ चीज़ आती है. तुम बैठे हो, आप अपने काम में बिजी हो, कोई आया कहते ऐसा आदमी देखा भाई मैं तो ध्यान नहीं किया. ध्यान मतलब कंसंट्रेशन इन द आई. अब इस सारे को स्टडी किया जब मैंने माइंड को, माइंड तो कहीं है ही नहीं, क्यों डॉक्टर साहब, देन व्हाट इज इन मी, वो क्या है जो सारा काम कर रही है. वो हमें है, दैट इज यू बी डॉक्टर साहब. हमारे रूप क्यों अलग अलग बने, ये भी मैं इस पर खोज की. मैं डॉक्टर साहब से रात शेयर किया कि ये ग्लास बना, ग्लास का पहले इंसान के दिमाग में डिज़ाइन बना कि इसमें क्या डालना है, पानी, पानी के लिए बना. प्लेट बनी खाने के लिए बनी, जब बड़ा बर्तन बना पानी डालने के लिए घड़ा बना. कोई चीज़ भी जो बनी है वो विदाउट पर्पज नहीं बनी, उसका कोई ना कोई मतलब है. कोई ऐसी चीज़ डॉक्टर साहब जो बगैर पर्पज के बनी, कोई नहीं बनी. तो जो हमारी बॉडी बनाई, जिसने भी बनाई, कोई पावर है, उसने भी इसको किसी खास पर्पज के लिए बनाया. मैं, मेरा अपना आइडिया है, मैं हो सकता गलत हूँ. एवरी पर्सन, चाहे छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कोई भी है, उसको उसी काम के लिए उसकी बॉडी वैसी बनाई गई है, ये मेरा ख्याल है. अब वो क्या चीज़ है जिसके लिए ये बॉडी बनी, उसकी खोज की करना है. अब उसकी खोज मैं कैसे की कि ये शरीर मेरे बस में नहीं है, ये पांच तत्व का बना, ये पांच तत्व का बना है, और ये सारा ब्रह्मांड भी पांच तत्व का है. ब्रह्मांड सारा जिसको हम देखते हैं, सूर्य है, चांद है, सितारे हैं, आकाश है, जमीन है, जल है, हवा चलती है, वायु है, ये सारे पांच तत्व है ना. हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है. वो अपना अपना रोल बनाया है उन्होंने इसमें. तो दिस इज नॉट एवरलास्टिंग, ये बनाई गई है, जो बनी है वो टूटेगी. यू डॉक्टर साहब रहेगी जो बनाई गई है, वॉट एवर, ये छाया है, ये छाया है, और मन के ख्याल माया है. माया को इंसान ने बिल्डिंग बनानी है, आर्किटेक्ट ने, वो अपने दिमाग में पहले सोचेगा ये बनना, ये बनना, फिर वो कागज़ पर लाता है. माया को, अपने दिमाग की माया को, मन के विचारों को, मन की प्लानिंग को, मन की थिंकिंग को, बुद्धि को, जो भी सोचा उसने वो कागज़ पर लाया. कागज़ पर लाने के बाद ये बिल्डिंग बनी, ये छाया है. हमारे मन की जितनी भी कल्पना है वो माया है, और उस कल्पना से जो चीज़ उत्पन्न होती है वो छाया है, वो सदा रहने वाले नहीं है. तो ये शरीर हमारा बना है, ये कढ़िया गया, कढ़िया. और कबीर साहब ने अपने एक शब्द में लिखा, अनकढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा. तू तो, तेरे तो बनाया किसी ने नहीं, तेरी सेवा कौन करे. अनकढ़े कढ़े देव को सब कोई माने, नीति लावे मेवा. जिन्हों कढ़िया गया, मूर्ति बना ली मूर्ति बना ली, किसी ने किसी की रूपी मार दी, किसी ने किसी की मूर्ति बना ली, सारे जाके उत्थे मत्था टेकते हैं, टेकते कि नहीं, उत्थे पछड़ावा भी चढ़ाते हैं. अफसोस ये है कि जिस रूप को भगवान ने बनाया उसके प्रति तो हमारी नफरत, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, जो इंसान ने बनाए, भगवान ने बनाया इंसान को, इंसान उसका तो वैरी है, लेकिन जो हाथ से मूर्ति बनाई उसको जाके मत्था टेकता है, उल्टा चक्कर हो गया कि नहीं.
तो कैसे होगा? दैट स्टैचू कांट बी गॉड, उसमें तो कुछ भी नहीं, मिट्टी हमने बनाया उसको। तो एक संत हुए हैं नामदेव जी, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, मैं याद नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अनुभव लेता हूँ। उन्होंने कहा है हमारे देश में लोग सांप को बहुत पूजा करते हैं, जनु गुग्गा कहते, गुग्गा पीर। उसकी लोगों ने कहीं उन्हें चांदी की फोटो बनाई हुई है, किसी ने सोने की बनाई है, गरीब ने मिट्टी की बना लेते हैं। वो एक दिन आता है उस दिन उसकी पूजा होती है, ऐसा है मैंने देखा, उसको तो पूजा करते हैं। और जब सांप जिंदा निकले तो उसके सिर को पीटते हैं, उसके सिर को पीटते हैं। मैं कहीं को मेरे मिलते हैं, कहते जी, मैं कहता तुम किसको मानते हो? कहते देवी माता। कौन सी देवी? शेरों वाले, शेरों वाले है ना हमारे इंडिया में, ये माना जाता है शेरों वाली माता। मैं क्या बुरा तो नहीं मनेगा, ये शेरों वाली माता सामने तेरे पैदा हो जाए बिद शेर लेकर तो तू उत्थे बैठेगा उत्ते तो टटियाँ लग जानियाँ देख के शेर नू। क्यों डॉक्टर साहब? वी डोंट नॉट वी कांट फेस द ट्रूथ, वी आर मिसलेड। हमें हमारे पुजारियों ने या हमारे लूटने वाले ने हमें बेवकूफ बनाया है। हम कलयुग के जीव हैं, हमें पता है कि क्या क्या नहीं है, ये सब पखंडबाज है। मैं तो यूं कहता हूँ, धर्म, द मॉडर्न धर्म हैज बिकम ए फाइनेंशियल बिजनेस और कुछ भी नहीं। द बिफूल अस, इन्हें पैसे चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, जे चढ़ाओ। और मुझे एक दिन पता लगा कि कोई हमारे देश में ऐसा भी मंदिर आ गया है जहाँ आप इंटरनेट पर उनको पैसे भेज दो, तुम्हारे पास बाई पोस्ट प्रसाद आ जाएगा। लो और सुन लो, इतना हमारी जहालत है। तो ये शरीर तो व्हीकल है, इट इज़ ए व्हीकल, गाड़ी है, इसको यूज़ करते हैं हम, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, क्या मैं कहूँ, अब तो पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आ गई देश में, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी लो, ये गाड़ी का कोई ख्याल नहीं करता, ये सबसे बढ़िया गाड़ी है, ये उसने बनाई है, इसमें कौन रहता है? क्या मन रहता है? मन तो है ही, मन तो जो देखता वो बना, जो सुबह था वो अब नहीं है, जो अब है वो शाम को नहीं होगा। क्यों डॉक्टर साहब? ये स्टेबल है? ये तो स्टेबल ही नहीं, तो जो ठहरा ही नहीं जाए किसी जगह पर उसको मैं क्यों मानूं? ये शलावा है, ये शलावा है। तो संतों ने कहा बच्चों इसको रोको, इसको ठहराओ। उसके ठहराने के लिए कहा कि ये मेथड है इसका, कंसंट्रेशन मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। इसको यहाँ लाओ, यहाँ से उतरा हुआ अपनी सारी ताकत को लेकर, गेट इट बैक, फिर क्या पता लगेगा कि तुम्हें जीने का राज मिल जाएगा। मेरे बाबा फकीर जी बताया करते कि ये आँख है, इसी आँख से हम अपनी माँ को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बहन को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बेटी को देखते हैं, और इसी आँख से जब हम किसी और औरत को देखते हैं फिर इसका क्या हाल होता है, कभी सोचा? फिर इसका तो ये खराब हो जाता है। इसको उस लेवल में लाना है, ऑल आर माई सिस्टर्स एंड ऑल आर माई डॉटर्स एंड ऑल आर माई मदर्स, वो तब आएगा जब इसके रूप का पता चलेगा। अगर इसके रूप का नहीं पता चला तो ये आपको कहीं भी खाई में गिरा देगा। डॉक्टर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? ऐसे ही सुनने की बात है। फिर इंसान जब ज्ञान हो जाता है वो कोई ऐसी बात नहीं सुनता, कोई ऐसी, मेरे सामने की बात है, एक प्रोफेसर बड़े हेल्दी, पता नहीं कहाँ से आए थे, हाँ ठीक है, तो वो कहता महाराज जी मुझे, मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है, चंचल रहता है, मैं चैन नहीं रहने देता। तो महाराज ने उसको देखा, तुम बड़े व्यभिचारी हो, करेक्टरलेस। उन गुस्सा आ गया, कहना बाबा जी तुझे झूठ बोल दे मैं तो कभी किसी औरत को बुरी नज़र से देखता ही नहीं, ना मैं अभी शादी की है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, किसी लड़की को मैंने बुरा व्यवहार नहीं किया। कहते मैं समझता हूँ तू झूठ कह रहा है, ठीक कह रहा है, लेकिन जब तू पढ़ता था
कॉलेज में पढ़ता था तब क्या करता था, व्हाट वर यू डूइंग? महाराज ने पूछा, कहते जी मैं एक एल्बम बनाई हुई थी, एल्बम उसमें लड़कियों की फोटो लगाई हुई थी, फिल्म स्टार्स या और जो भी उसके दोस्त मित्र होंगे, तो मैं सुबह सुबह उनको देखकर अपना मनोरंजन कर लिया करता था। बस उस तरह मनोरंजन तेरा बेड़ा गर्क किया, तेरा माइंड करप्ट हो गया। मेरी बात आप समझ गए? तो फिर जब पता लग गया कि मैंने अब इसका सदुपयोग करना है, हाउ टू मेक यूज ऑफ देम, आँख के ऊपर कंट्रोल करना है, कान में कोई बुरी चीज नहीं आने देना, इस जबान से कभी किसी का बुरा नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं देखना, क्योंकि देखने वाला खुद बुरा होता है तो उसको बुराई नजर आती है। गुरबाणी में है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, गुरबाणी का शब्द है। इसलिए वो फिर इस मन के ऊपर थोड़ा सा अपना कंट्रोल कर लेता है और सुखी हो जाता है। जिसने मन को समझ लिया वो चिंता फिर नहीं करता। वो चिंता क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता लगा कि मेरे शरीर पर तो कोई अधिकार ही नहीं है, कोई और चीज़ है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि हमने मन को कंट्रोल करना है। मेथड क्या है वो हर इंसान का अपना ओपिनियन है। संतों ने हमें ये बताया कि एक हस्ती है इस दुनिया को चलाने वाले। मैं शुरू किया था कि ये ब्रह्मांड है और ये भी ब्रह्मांड है, ये भी पांच तत्व का बना हुआ सारा, ये भी पांच तत्व का बना हुआ है। इस ब्रह्मांड को भी चलाने वाली कोई हस्ती है और इस ब्रह्मांड को भी चलाने वाली कोई हस्ती है, ये भी ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये शास्त्रों की वाणी है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, इसको भी कोई शक्ति चलाने वाली है। और इस सारे सूर्य चांद सारे जितना है जो भी खेल हम देख रहे हैं बाहर, ये कुदरत है, इसको चलाने वाली भी कोई हस्ती है। तो फिर हम तीसरे नंबर पर पहुँचते हैं, वो है हमारी आत्मा। आत्मा प्रकाश रूप है, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने बड़ी खोज की है। 1956 में रीडर डाइजेस्ट एक किताब निकलती, अभी भी है, उसमें एक आर्टिकल आया था द वेट ऑफ सोल। वो क्या हुआ, चार देशों के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की, वो अभी भी करते हैं साइंटिस्ट, तो लगे हुए हैं अपने अपने फील्ड में, कि मरते समय आदमी के शरीर से क्या निकलता है। उन्होंने एक कमरा तैयार किया, कमरा तैयार करके उसमें सेंसिटिव स्केल्स लगाई भार तोलने वाली, और उनमें वो आदमी रखे गए, वो मरीज रखे गए जो कि मरने के करीब थे, और दीवारों में उन्होंने एक ऐसा पेंट लगा दिया जिससे पता लगे कि इसमें से क्या निकलता है। और आप बाहर अपनी मशीनों को लेकर हर तरह का जो उनके पास सामान था बैठ गए कि देखे कि ये मरने से क्या निकलता है। तो जब कोई मरा उसमें से तो दे सा लाइट गोइंग आउट ऑफ द बॉडी। किसी की लाइट में थोड़ा सा गंदलापन था, कोई ज़्यादा साफ थी, निकली सब में से लाइट। लेकिन वो जो स्केल थी जिस पर वो डेड बॉडी रखी थी उसका वजन भी कम हुआ, उसका वजन कम हुआ, किसी का 5 ग्राम, किसी का 10 ग्राम, किसी का 25 ग्राम। तो वो अलग अलग उन्हें रिकॉर्ड कर दिया कि हमारी आत्मा का वजन इतना है, वेरिएशन है। तो उस वक्त उस किताब के बेस पर मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने एक सत्संग दिया जो जिसको मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया द वेट ऑफ सोल। उसमें उन्होंने बताया कि संत तो ये कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है उसका वजन फूल की खुशबू से भी कम है, तो वजन काहे का हो गया, वो वजन नहीं था, हमारी आत्मा का कोई वजन नहीं है, बिल्कुल फूल की खुशबू की तरह है। और इसे ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी लिखा है, पुप मध्य जो वास वसते हैं मुकर माहे जो शाही, फूल में जैसे खुशबू और शीशे में जैसे हमारा रूप।
तैसे ही हर बरसे निरंतर घटे ही खोजो भाई। वो जो ताकत है वो हमारे अंदर ऐसे है जैसे फूल में खुशबू, जैसे शीशे में हमारा रूप, वो ऐसे है, ऐसा उसमें लिखा। तो मेरे हजूर ने बताया कि वो वेट क्यों है, वेट क्यों है, मरने वाले की कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। जो मरने वाला मरा उसकी किसी न किसी चीज से अटैचमेंट है, घर वाली से हो सकती है, धन से हो सकती है, गुरु से हो सकती है, गुरु के आश्रम से हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी से हो सकती है, किसी न किसी उसकी अटैचमेंट है। जिसकी भी अटैचमेंट मरते समय होगी वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ से बाहर नहीं जाएगा। ये जो कुछ है ग्रेविटी ऑफ अर्थ ही है ना, जो न्यूटन ने जो निकाला उसने देखा कि एप्पल के दरख्त के नीचे बैठा है और ऊपर से नीचे सेब गिरा, तो उसे कुछ सर्च किया कि ये नीचे को गिरा ऊपर क्यों नहीं गया। उसने कहा दिस ग्रेविटी ऑफ अर्थ में एक कशिश है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। और साइंटिस्ट ने क्या किया, रॉकेट ही ऐसे बना दिए जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ से आगे निकल जाते हैं, है ना। ऐसा कितने रॉकेट बनाए उन्होंने, किस किस फील्ड से कैसे आगे जाना है, फिर और रॉकेट खुलेगा, फिर अगले आगे जाएंगे। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ के साथ हमारे संबंध होने के कारण मरने के बाद हम दोबारा यहाँ जन्म लेते हैं। इसलिए संतों ने कहा मरने से पहले मर जाओ मतलब दुनिया की अटैचमेंट को छोड़ दो, नो अटैचमेंट वाइल लीविंग द बॉडी, फिर अपनी अटैचमेंट उस मालिक से रखो। तो सोल क्या है, प्रकाश है, वो हमारे शरीर को गर्म किया हुआ है, उसने गर्म रखती है। अब फिर अगली चीज़ क्या रहे, वो है जो हमारे अंदर सारा काम कर रही है। सुरत कुछ, ये आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा इज लाइट जिसके कारण हमारा शरीर गर्म है। जब ये ठंडा हो गया लाइट उड़ गई, बट दैट थिंग इज सेपरेट। अब मेरा अपना अनुभव है डॉक्टर साहब, आपने इस पर जो थोड़ा विचार करना, ये जो जगह है ये हमारे ये वाले बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखना, वहाँ टक 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 होती ना बेटा, टक 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 होती है, हमारे भी हो रही है, लेकिन अब हमारी बॉडी पक्की हो गया, हेड पक्का हो गया। वहाँ क्या है, वहाँ जो मैंने देखा, आप देखा, मैं जो बिना देखे मैं बात नहीं करता, जो देखा मैं वो बात करता हूँ, अनुभव की बात करता हूँ, मैं कहानी नहीं डाल रहा कोई भी, ताकि वी शुड नो हु एम आई। और कहा है संतों ने टू नो गॉड नो दाई सेल्फ, पोप अलेक्जेंडर में भी कहा प्रज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये पोप की कहानी, पोप का शब्द है। ये प्रज्यूम मत करो कि भगवान ने तुम्हारा टेस्ट लेना है या वो पूछेगा, यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज मैन, इंसान को अपने आप को जानना चाहिए, ये उसका कहना। और हमारे संतों ने तो कह दिया जन नानक बिना आपा चीना मिठे ना भरम की काई, गुरु नानक कहते हैं जब तक हम अपने आप को नहीं जान सकते हम इस दुनिया में फंसे रहेंगे, हम भ्रम रहेगा। तो यहाँ हरकत हो रही है, वो हरकत क्या है, मैं मेडिकल कॉलेज अमृतसर गया, मेरे वहाँ दोस्त, मैं ड्यूटी पर था किसी गेम के साथ वहाँ गया, और स्पेशली गया कह के कि मैंने मेडिकल कॉलेज में देखना है कि हमारे हेड में क्या है, अब तो ऐसे तो देख नहीं सकता। तो वहाँ डॉक्टर चरणजीत थे, ही इज नो मोर नाउ, उसको मैंने रात को कहा डॉक्टर चरणजीत मैं तेरा डेड हाउस देखना, तो वो मुझे कहता कमल यार तू पागल हो जाना, तो मरना था उतने जब बेहोश हो जाएगा, मैंने मुसीबत खड़ी करेगा। मैं कह नहीं, आप भी तो जाते हैं ना अंदर, कह हम मास्क लगा लेते हैं, तो मास्क मैंने भी दे देना भाई, मैं इन्ना डरदा नहीं हैगा, मैं इन्ना घबराने वाला नहीं है, तू मैं एक चीज़ दिखा दे, क्या देखना। मैं कह आई वॉन्ट टू सी द स्कल ऑफ द मैन, चलो ले गया वो मुझे,
तो बुरा हाल वहाँ, बहुत आई हैव सीन वेरी ड्रेडफुल सीन ड्रामा। तो मैं क्या मैंने वो दिखा जहाँ आदमी का स्कल खोला गया है। जब वो वहाँ लेकर गया तो मैंने देखा यहाँ हमारे शरीर में एक बाउल बना हुआ है, छोटा सा बाउल जानते ना, जिसमें सब्जी सब्जी हम डालते हैं छोटा सा। मैं ले आई हैव फाउंड, मैंने चंजीत मुझे पता लग गया कि ये क्या है। अब ये तक इसमें क्या होता है, कहता है इसमें भूरे रंग का पानी होता है, गैस जलो कलर थोड़ा सा। तो मैं कहा तुम लोग क्या डॉक्टर्स क्या समझते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ आत्मा रहती है, यहाँ आत्मा रहती है। अच्छा, और हमारे हिंदू समाज में क्या होता है, दो चीज़ें देखी मैंने, और वो है कि जब आदमी मर जाता है जहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है वहाँ दिया जलाया जाता है, वो 13 दिन तक जलता है। सिंपली टू गिव दिस थॉट, उस मरण वाले को बताना कि तू शरीर नहीं है, तू प्रकाश रूप है, वापस चलता। और फिर जब इंसान को आग लगाई जाती है तो उसके सिर के पीछे यहाँ जो उसके घर वाले होते हैं वो बांस मारते हैं, ऐसे बांस मारते हैं, किस ख्याल से कि खोपड़ी खुल जाए और उसमें से अगर जीव है तो निकल जाए। ये एक विचार है और ये गरुड़ पुराण में दिया गया है, जो हमारे सनातन धर्म का सबसे लेटेस्ट बुक है, दैट्स गरुड़ पुराण। मैंने फिर पहुंच गया अपने टीके पर, मैंने कहा यस दिस इज द थिंग। अब सांस हम ले रहे हैं, ये सांस कैसे आ रहा है, क्या क्या जो हमारा हार्ट ये जो हमारा लंग्स हैं ये अपने आप फूल रहे हैं? नो, यहाँ कोई पंप चल रहा है, दिस सम पंप इज वर्किंग, वो ऐसे ऐसे प्रेशर देता है तो हमारे को सांस आता है। और वो ये है, यहाँ हरकत होती है तो हमारा लंग्स हमारे काम कर रहे हैं, ये बंद होगा सांस बंद, डॉक्टर क्या कहा मैंने, ये बंद हो गया सांस बंद। तो वो अब देखना कि वो क्या है, वो क्या है, उसकी संतों ने खोज की कि बैठ जाओ, उस हस्ती का कोई नाम रख लो, वो जो हस्ती है मालिक, जिसको किसी ने देखा नहीं लेकिन वो है, वो है, हम इनकार नहीं कर सकते। हमारा शरीर अगर एक्शन में है, हमारा शरीर अगर काम कर रहा है तो कोई हस्ती इसके अंदर है, मन नहीं है, मन का तो मैंने साबित कर दिया, और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इस बॉडी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तो कोई ना चीज़ अंदर है ना, वो शरीर अपने आप कुछ नहीं कर रहा, मन में कोई ताकत नहीं कि कुछ करे वो, और आगे हमारी आत्मा है वो प्रकाश रूप है, और वो प्रकाश भी किसी के अधीन है, जब वो बंद हो जाएगा तो प्रकाश का भी बंद हो जाएगा। उसकी खोज करने संतों ने कहा नो देन दाई सेल्फ वार योर सेल्फ, इफ यू वॉन्ट टू नो गॉड जो नो योर सेल्फ, तुम जानो तुम कौन हो। तो उसके लिए संतों ने 6 चीज़ें बताई, सतगुरु, सतनाम और सत्संग, सतगुरु, सतनाम और सत्संग। और यही हमारा सनातन धर्म कहता है, सनातन धर्म में, सनातन धर्म को हम भूल गए, अब मंदिरों में फंस गए हम। सनातन धर्म तो कहता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने ब्रह्मा की पूजा कर दी, उन्होंने कहा था जो कुछ है वो गुरु में है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक तो पहले ये बात कह दी कि भाई और दुनिया में कोई चीज नहीं है, गुरु में ही ब्रह्मा है, गुरु में ही विष्णु है, गुरु में ही महेश्वर है, और गुरु साक्षात परब्रह्म है, परब्रह्म में प्रकाश, प्रकाश की पूजा होती है सारे देश में,
हमारे लोग जब लाइट ऑन करते हैं तो नमस्कार करते हैं, लाइट ऑन की नमस्कार, दुकानदार भी ऐसे करते हैं, मैं देखा है, घरों में तो नहीं करते लोग, घरों में तो दिया जलाया हुआ है, एक तरफ कहीं मंदिर बनाया हुआ है उसमें हम ज्योति जलाते हैं, वो ज्योति अंदर की तो हम कभी देखते नहीं है, अंदर घंटी भी बजाते, सब कुछ अंदर है, डॉक्टर साहब घंटी भी अंदर बजती है, शंख भी अंदर बजता है, ढोल भी अंदर बजते हैं, सूरज भी अंदर है, चांद भी अंदर है, और बांसुरी भी अंदर बज रही है, और ओम की ध्वनि भी अंदर ही हो रही है, मगर हम उसको देखते नहीं हैं, क्योंकि हमें पंडितों ने वहाँ लगा दिया मूर्ति की पूजा में, चलो यहाँ आ जाओ, आ जाओ, एंड वी इग्नोरेंट पीपल, हम दौड़े जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी कर, हमारी इच्छा, वहाँ जाएंगे तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा ही है ना, पंजाब में लोग दौड़े हुए हैं, कोई कहीं दौड़ा हुआ है, कोई कहीं दौड़ा हुआ है, कोई ट्रकों में लदे हुए हैं, क्योंकि उनको आइडिया ऐसा दिया गया है, उनको ख्याल ही ऐसा दिया गया कि वहाँ जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी, वो होगी नहीं, होगा वही लिखा ललाट तरे नहीं तारा भावी को मिट नहारा, वी हैव बीन अलॉटेड ए पर्टिकुलर जॉब, और वो जो हमें मिलना है वो पहले मिलना है, मेरे बाबा फकीर जी ने कभी कहा, मैं आम सुनाता हूँ ये बात, परमदयाल फकीर जी महाराज उस वक्त रेल स्टेशन मास्टर थे, स्टेशन मास्टर रहे, वो एज पहले फौज में रहे, पहली जो पहला युद्ध हुआ उसमें बसरे बगदाद में उन्होंने काम किया, फिर वहाँ से रिटायर होकर वो रेलवे स्टेशन मास्टर बने, और वहाँ से वो रिटायर हुए, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में एक मज़ार है, मज़ार जानते हैं, किसी बड़े संत की कब्र, वहाँ हर साल मेला लगता था, जैसे हिंदुस्तान में अजमेर में है, अजमेर में है ना चिश्ती साहब की जमा, वहाँ लाखों दुनिया जाती है, तो उसका मेला था, और उस मेले में कवाली बोलते, जो सुन्नी मुसलमान हैं वो नहीं गाते ना, जो दूसरे मुसलमान हैं सूफी उनकी कवाल गाते, वो मालिक की प्रशंसा करते उसमें गाकर, तो वहाँ वो सूफी संत था, तो वहाँ कवाल गा रहे हैं, तो एक लड़की थी वहाँ, तो लड़की ने कहा महाराज मुझे भी एक शब्द गाने की आज्ञा दे जाए पीर के लिए, तो उसने भी बहुत शौक से मस्ती में आकर बहुत सुंदर सुरीली आवाज से उस पीर की प्रशंसा की, बहुत अच्छी तरह से गाया, तो वो जो पीर वहाँ बैठा था उसका मालिक जो सेवा करता था उसने खुश होकर कहा बीबी बेटा मैं बहुत खुश हुआ आपने तो पीर को जिंदा कर दिया, मांगो क्या चाहती हो मांगो, कहती मेरे को पीर ने पहले ही महाराज बहुत कुछ दिया है, कहते नहीं बेटी दूसरा वचन मांग ले, उसने फिर कहा महाराज आपकी बड़ी कृपा है, कहा बीपी आखिरी समय इसे कह रहा हूँ मांग ले, कहती अच्छा महाराज अगर आप इतने प्रसन्न चित्त है आपकी इतनी दया है तो मुझे वो दे दो जो मेरी किस्मत में नहीं है और समय इसे पहले दे दो, लड़की ने कहा वो दे दो जो मेरी किस्मत में नहीं है और समय इसे पहले दे दो, तो मेरे सदगुरु ने बताया कि वो पीर उठा अपने कमरे में चला गया, वहाँ से मुंह काला करके बाहर आया, कहते बेटी मुझे माफ़ कर दो मेरे में घुमंड आ गया था अहंकार आ गया था मैं नहीं दे सकता, जो लिखा है वही मिलेगा और भूसले मिला है जब समय आ जाएगा, किसी में से कोई हस्ती नहीं है, तो साबित हो गया, बाबा फकीर कहा करते थे कोई गुरु तुम्हें कुछ नहीं देता, कोई महात्मा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे किस्मत में है, ये उनका कहना, और किस्मत कैसे बनती है, कुदरत इंसान को खुद उधर ले जाती है, मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं किया, आई टेल यू मैं यहाँ लकड़ी पर बैठा हूँ, मैंने ज़िंदगी में